कर दी है मैंने रिकॉर्डिंग, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? यस सर, चलो यस पुरानी वाली वो वीडियो सर, लेके नोट्स वोट्स यस बना लिए सर, अच्छे से? यस सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। आ जाओ, विनय यादव आ गया। चलो आ जाओ, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। अभी आ रहे हैं बच्चे। ये बाबू सोना स्टेटस फिर से आ गया यार, इसको मैं नहीं घुसने दूंगा क्लास में। रिकॉर्डिंग देखोगे ना तुम तब शुरू में देखना ये। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, आज बेटा हम बिल्कुल एकदम नई चर्चा करने वाले हैं। देखो अभी तक मैं तुम्हें क्या पढ़ा चुका हूँ, अभी तक मैं तुम्हें सर्कुलर मोशन मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है? देखो शुरू से एकदम चर्चा मैं तुम्हारे साथ करता हूँ, देखो फटाफट से, देखो मैं तुमको कवर करके देता हूँ। तो सबसे पहले बेटा मैंने आपको पढ़ाया सर्कुलर मोशन के बारे में, और सर्कुलर मोशन में मैंने आपको ये बात बताया कि भैया अगर जो आपके पार्टिकल की जो रफ्तार है अगर वो √5 gr या उससे ज़्यादा रही, हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर, याद ना क्या क्या बोलते हैं, लोएस्ट पॉइंट पर, तब तो वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, नहीं तो घूमने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? ठीक भाई, yes, तो अगर पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घूमना है तो लोएस्ट पॉइंट पर √5 gr या उससे ज्यादा, और हाईएस्ट पॉइंट पर √gr या उससे ज्यादा, ये होना चाहिए, नहीं तो पार्टिकल घूमने वाला नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? बेटा एक मिनट के लिए जरा होल्ड करेंगे यार, ये पता नहीं बच्चा बार बार जुड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं क्या बताया तुम्हें कि सर्कुलर मोशन हम लोगों ने डिस्कस किया, और सर्कुलर मोशन में हमने क्या बताया कि भाई लोएस्ट पॉइंट पर √5 gr रफ्तार होनी चाहिए और हाईएस्ट पॉइंट पर √gr रफ्तार होनी चाहिए, ताकि बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम सके। इसके अलावा मैंने तुम्हें क्या बताया, सुने, अगर आपकी बॉडी की जो इनिशियल रफ्तार है नीचे लोएस्ट पॉइंट पर अगर वो √0 से लेकर और √2 gr तक है, तब तो कैसा मोशन होगा? पेंडुलम मोशन होगा, है ना? और √2 gr से लेकर और √5 gr के बीच में है तो कैसा होगा? पेंडुलम प्लस, क्या बोलते हैं, सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल, है ना? सर्कुलर प्लस प्रोजेक्टाइल, और √5 gr या उससे ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा प्रॉपर। और इसके अलावा मैंने आपको एक बात और भी बताई कि जब बेटा कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन होता है तब कंस्ट्रेंट सर्कुलर मोशन के लिए सिर्फ कितनी रफ्तार चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर? √4 gr रफ्तार चाहिए, हाँ, उसी में वो पूरा का पूरा घूम जाएगा। तो उसमें मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल भी बताए थे, एक रॉड वाला सवाल लिया, एक हमने वो रिंग वाला सवाल लिया कि कैसे रिंग के सपोर्ट से पार्टिकल ऊपर उठ जाता है ना। इसके अलावा अगर जो पार्टिकल की रफ्तार √5 gr से ज्यादा है तो वो पक्का पक्का बीच में सर्कल को छोड़ देगा। Yes, और जिस एंगल पर सर्कल को छोड़ेगा वो एंगल कितना था? cos theta is equal to u square minus 2gr by 3gr। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना? बोलो बहुत बढ़िया भाई, अगर इतनी बात मुझे समझ आ गई है इसका मतलब मेरा सही चल रहा है मामला। और मुझे पता है कि ज्यादातर सवालों को ऐसे सॉल्व किया गया था, एक तो फोर्स इक्वेशन लगाई गई थी और एक एनर्जी कंजर्वेशन लगाया गया था, माना तो बोल दो। बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ, अब मेरी बात सुनो बेटा। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज हम चर्चा करेंगे बेटा आपके साथ पावर की, ठीक है? आज हम किसकी बात करेंगे आपके साथ? आज हम, अरे एक मिनट रुको, आज हम पावर की बात करेंगे, ठीक है? आज हम बात करेंगे पावर की। अच्छा पावर को डिफाइन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? उसके बाद अपन ने मेन काम तो मैथमेटिक्स के साथ ही करना है, ठीक है? पावर को ऐसे डिफाइन करते हो आप लोग, कैसे डिफाइन करते हो? आप कहते हो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एनर्जी, या फिर इट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब बेटा जहां पर भी रेट आ जाए ना, जहां पर भी क्या आ जाए, रेट आ जाए, वहां पर आप एक बात समझ जाना कि ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा है, ठीक है बेटा? रेट से हमेशा मेरे को क्या समझना है बेटा, कि जब भी रेट की बात आ जाए मैं क्या समझूं, हाँ ना बोलो, रेट की बात आए तो क्या समझूं? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, तो क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि देखो जरा ध्यान सुनना, अब जरा बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, क्या बोल गया मैं ये बोला, देखो ये रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एनर्जी की जगह रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी भी एक ही बात है, डिलीवरी होना या फ्लो करना एनर्जी का एक ही बात है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि बेटा जो इंस्टेंटेनियस पावर होती है, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर पावर जो होती है वो होती है रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एनर्जी या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, मतलब DE/dt। और क्या बोला के रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कि DW/dt। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यार तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला, अगर एनर्जी पता है तो DE/dt करके पावर निकाल सकते हैं, और अगर वर्क डन पता है तो भी DW/dt करके अपन क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। और ये कौन सी पावर है? ये है बेटा इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर से मेरा क्या मतलब होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पावर क्या होती है, ठीक है? अच्छा वर्क डन जो है वो क्या होता है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ऑब्वियसली पावर भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है? और इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। अच्छा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी,
जाएगी यूनिट या तो जूल पर सेकंड बोल लो, देखो वर्क डन पर यूनिट टाइम है ना, तो जूल पर सेकंड बोल लो, या फिर बोल लो वाट, या फिर क्या बोल लो वाट, वाट नाम सुना है ना? यस सर। अरे हाँ ना तो बोलो, नहीं तो तुम्हारी वाट लगा दूंगा मैं, जल्दी बोलो, सुना है कि नहीं सुना है? यस सर। और एक तुमने हॉर्स पावर भी सुना होगा, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट, सुना है क्या ये? Yes, yes, सुना है ना? Yes, तो ये इसकी यूनिट होगी, है ना? अगर अपने से मान लो क्या बोलते हैं कि एचपी में पूछे तो फिर क्या कर देंगे, 746 से डिवाइड कर देंगे वाट को, है ना? तो फिर एचपी में अपने पास आ जाएगा। यार हाना तो बोल दो यार। Yes, पर याद रखने वाले क्या बात है, पावर के नाम पर, पावर के नाम पर याद रखने वाले सिर्फ इतनी सी बात है कि dW / dt, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है? सुनो, तुमको बोला गया, तुमको इस तरह से सवाल बोल दिया गया, फालतू टाइम पास सवाल, तुमको बोला गया इस तरह से कि वर्क डन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज दिस, वर्क डन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज दिस। देखो जरा ध्यान से देखो, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है, बोला कि वर्क डन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज दिस। तुमको बोला फाइंड पावर, तुमको बोला कि फाइंड पावर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, क्या तुम बता सकते हो? यस सर। Find power at t is equal to 2 second. बोलो कितना आएगा? Sir, 2t के आगे क्या है? T square plus 2t plus 1 बेटा. Find power at t is equal to 2 second. बिल्कुल कोई बच्चा बोलेगा नहीं और खुद का सॉल्व करके चैट बॉक्स में लिख देना है बस. Find power at t is equal to 2 second. बताएं. सर टी क्या लिख रखा है बेटा? टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। करो भाई, बहुत बढ़िया भाई, खुश कर दिया तुमने तो। हमें पता है ना कि क्या होती है पावर, इसमें क्या करना है, इतना तो कुछ खास है ही नहीं उसके अंदर। मुझे पता है पावर क्या होती है, पावर इज इक्वल टू dW / dt, तो कितना आया 2t और प्लस 2, और पावर कब पूछा है अपने से, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पूछा है, तो 2 × 4 प्लस 2 इज इक्वल टू वॉट, 6 वाट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई बेटा? यार तुम्हें आया ही नहीं है यार। अच्छा अब सुनो, अब मैं तुम्हें एक बढ़िया बात बताता हूँ, अब सुनना जरा। देखो मैंने तुम्हें ये बताया बेटा कि पावर जो है ना, पावर है dW / dt, मेरी बात समझ आई है ना? पावर क्या है? Yes, dW / dt। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, तो अगर पावर dW / dt है तो क्या dW इज इक्वल टू pdt है? हाँ। yes, यार तुम्हें नहीं आया? yes, तो पावर dW इज इक्वल टू pdt। अच्छा ये dW क्या है? dW है छोटा सा वर्क डन। अरे dW क्या है? छोटा सा वर्क डन। यार तुम्हें नहीं आया? dW क्या है? छोटा सा वर्क डन। तो अगर मुझे छोटा सा वर्क डन पता हो और अगर मुझे पूरा वर्क डन निकालना हो तो, कंप्लीट टोटल वर्क डन निकालना हो तो इंटीग्रेट, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन मिल जाएगा। क्या तुम इस बात से सेटिस्फाइड हो? झूठ नहीं बोलेगा कोई बच्चा। अब मुझे एक बात बताओ, अब अगर बेटा मैं तुमसे बोलूं कि तुम मुझे इंस्टेंटेनियस पावर नहीं, तुम मुझे एवरेज पावर बताओ, तुम मुझे क्या बताओ? एवरेज पावर बताओ। तो एवरेज पावर जैसे ही मैंने बच्चे को बोला ना, तो बच्चा बोलेगा सर एवरेज पावर का तो सर यही फॉर्मूला होता है सर, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। अरे यही तो होगा, जब वर्क, अगर पावर क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो एवरेज पावर क्या हो गई? टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। अरे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तुम्हें नहीं आया? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो बेटा जो एवरेज पावर हो जाएगी, क्या वो यही होगी? टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। यस सर। अब सुन जरा ध्यान से देख, तो देख तेरे को मैंने टोटल वर्क डन देख निकाला पहले सिखा दिया क्या? यस सर। देखो जरा ध्यान से, तो मतलब के टोटल जो वर्क डन है ना, उसका फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन पी डी टी और डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो क्या टोटल टाइम इंटीग्रेशन डी टी? तुम्हें आया ही नहीं? तो इसका मतलब कि आज के बाद अगर मुझे कभी भी एवरेज पावर लिखनी पड़े तो मैं चुपचाप ये लिख दूं क्या? इंटीग्रेशन पी डी टी और डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डी टी। अगर मैं ये कैलकुलेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? एवरेज पावर मिल जाएगी। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई? मैं तो बोलता हूँ बेटा कोई भी, यहाँ तो तुझे पावर एवरेज निकालनी पड़ रही है ना, मैं तो कहता हूँ आज के बाद किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना पड़े, किसी भी फंक्शन का एवरेज निकालना पड़े, इंटीग्रेशन फंक्शन एज अ टाइम टी डी टी और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी। तो ध्यान से देख क्या यही फॉर्मूला बैठेगा क्या? मैं बोलता हूँ पावर नहीं, मैं तो बोलता हूँ वर्क डन का एवरेज निकाल ले, मैं तो बोलता हूँ वेलोसिटी का एवरेज निकाल ले, मैं तो बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट का एवरेज निकाल ले, जिसका मन करे तेरा उसका एवरेज निकाल। भाई साहब क्या फॉर्मूला यही होगा क्या? ध्यान से देख, कंपेयर कर ले दोनों को, देख कंपेयर कर ले।
यार तुम्हें नहीं आया? दोबारा बता, देख दोबारा बता, बेटा सुन, देख मैं बोला कि देखो एवरेज पावर निकालनी है तुमको, ठीक है? तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी? टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम ना, यही होगी ना। अच्छा सुनो, देखो तो मुझे ये बात पता है कि पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, भाई अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये तो फर्स्ट बताया था। तो देखो यहाँ से जो बेटा छोटा सा वर्क डन है ना, छोटा सा वर्क डन जो है डी डब्ल्यू, वो डी डब्ल्यू देखो ये रहा डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो डी डब्ल्यू कितना आया? डी डब्ल्यू आया पी डी टी, और डी डब्ल्यू है छोटा सा वर्क डन, तो पूरा वर्क डन कितना आया? टोटल वर्क डन कितना आया? टोटल वर्क डन आया इंटीग्रेशन पी डी टी। देखो टोटल वर्क डन की जगह मैंने क्या लिखा? इंटीग्रेशन पी डी टी, ठीक है? और छोटा सा टाइम डी टी होता है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी टी। तो मतलब कि एवरेज पावर के नाम पर सिर्फ मुझे इतना सा पता होना चाहिए क्या? इंटीग्रेशन पी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी। क्या बात समझ आ गई? अब अगर मैं तुमसे सवाल पूछता, फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो तुम अभी के लिए, अगर तुम्हें सवाल सॉल्व करना है तो। देखो सुनो, मैं तुमसे ये सवाल पूछता कि बेटा पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज गिवन एज टी स्क्वायर प्लस टू टी, ठीक है? और मैं तुमको बोलता फाइंड एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन 2 सेकेंड्स, तो क्या आंसर आता बताओ? तुम बता सकते हो ये आंसर? 2 सेकेंड में पावर बतानी थी, तो क्या करते तुम? एवरेज पावर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या करते? टी स्क्वायर प्लस टू टी और डी टी, और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन डी टी, और लिमिट लग जाती है 0 से 2, और लिमिट लग जाती है 0 से 2। तुम्हें कुछ भी नहीं आया ना दूर दूर तक? आगे है ना। चलो तो इसका पहले तो इसको सॉल्व कर लो। तो डी टी का इंटीग्रेशन टी होता है, तो आ जाएगा 2, तो ये आएगा 1/2 बाहर, है ना? और अंदर क्या बचा? 0 से 2, और ये है टी स्क्वायर प्लस टू टी और साथ में डी टी। हाँ ना, तो बोल दो यार। यस सर। है ना, तो ये आया 1/2, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो? टी की क्यूब बाय 3 प्लस टू टी का टी स्क्वायर बाय 2, तो 2 2 को मार देगा, तो टी स्क्वायर बचेगा, और 0 से और 2 तक की लग गई लिमिट। तुम्हें दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आया यार? अरे हाँ ना तो बोलो सन्नाटो। यस ये वो दो दो नीचे बस ये आंसर आ गया। बेटा सुन, कहाँ से बताऊँ मुझे बता सर, ये बोलने लगा कि जो अपने स्टार्टिंग की ना कहाँ से, यहाँ से बताऊँ ये बेटा, ये फॉर्मूला कैसे आया पहले वो बताऊँ, या ये तो आ गया है? नहीं सर, फॉर्मूला तो आ गया, फॉर्मूला तो आ गया ना। अब मेरी बात सुन, देख बेटा उसके आगे। तो देख अब देख, इंटीग्रेशन क्या था इसमें? क्या था? इंटीग्रेशन पी डी टी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन डी टी। तो क्या करें इसमें? पहले इंटीग्रेशन, पहले पी की वैल्यू पुट करनी है अपने को, है ना? इसमें क्या करना है अपने को? पी की वैल्यू पुट करनी है। तो देख बेटा मैंने क्या करा, देख मैंने पी की वैल्यू पुट कर दी। देख पी तो ये था ना टी स्क्वायर बाय टू टी, तो टी स्क्वायर प्लस टू टी, तो मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है? ये कर दिया, और नीचे तो ये था इंटीग्रेशन डी टी 0 से 2। अच्छा डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी होता है, है ना? डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी होता है, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही आ जाएगा। तो मतलब 1/2 है ना, 1/2 है ना, 1/2 है ना ये, तो 1/2 बाहर आ गया, ठीक है? अब अंदर का इंटीग्रेशन मैंने अभी सॉल्व नहीं करा, क्योंकि मैंने कहा स्टेप मिस नहीं करते, तुम लोग घबरा जाओगे, तो मैंने कहा उसको ऐसे लिख देते हैं आप, ठीक है? तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। फिर अगले पार्ट में मैंने क्या करा, अगले बारे में मैंने फिर उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है? टी की क्यूब बाय 3। टू टी का क्या आएगा? टू टी का ही आता है, देखो मैं एक मिनट रुको, टू टी का इंटीग्रेशन ये आता है देखो 2, और फिर टी स्क्वायर का टी का क्या आता है? टी स्क्वायर बाय 2, टी टी 2 2 को मार देता तो टी स्क्वायर बचता, है ना? तो वो टी स्क्वायर ही रहा। यस, है ना? अब बस लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यार तुम्हें नहीं आया यार कुछ भी यार? आ गया सर। बिल्कुल कोई बच्चा झूठ ना बोले बेटा, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, बिल्कुल शर्माए ना बस कोई भी बच्चा। अरे हाँ ना बोलो, बोलो सन्नाटो बोलो। यस सर। पक्की बात एकदम? यस सर। सोच लो। यस सर। बार कैसे लिया बेटा ये बार कैसे लिया? ये देख सुन, नहीं हाँ ये देख सुन, यहाँ सुन, देख मैं कहता हूँ इसको भूल जाओ, इस ऊपर वाले को कुछ भी है तो इसको भूल जाओ, ये कुछ भी है x है, ठीक है? और ये डिवाइड बाय क्या है? अच्छा ये पूरा का पूरे को मैं x बोल रहा हूँ, देख यहाँ से यहाँ तक पूरे को मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है? ये तो x है, ठीक है? और ये नीचे क्या है? ये नीचे है इंटीग्रेशन डी टी, और 0 से 2 है ना, तो डी टी का इंटीग्रेशन क्या आता है? टी आता है ना, और 0 से 2 तो क्या है? x बाय 2 ना, मतलब कि 1/2 इनटू x, तो x तो ये रहा पूरा का पूरा, और ये 1/2। नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया ना, दोबारा बताऊं? देख सुन, देख सुन, देख सुन सर, उधर ही बता दो तो मैं समझ जाऊंगा। समझ जाएगी, देख बेटा दोबारा बताते हैं फिर। देख सुन, देख बेटा, देख dt का इंटीग्रेशन तो t होता है ना,
तो टी में जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, टू ही आएगा बस। देखो और देखो ये इस पूरे के फैक्टर के नीचे, इस पूरे फैक्टर के नीचे टू आया ना, है ना, तो यही तो कर रखा है। देख इस पूरे फैक्टर के नीचे तो टू कर रखा है। हाँ, नहीं आया आगे पक्की बात एकदम, सोच लो। देखे। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये बात मुझे समझ आ गई। देखो ये सवाल अगर तुम कर दोगे ना, मैं ऐसा समझ जाऊंगा कि भाई तुम्हारा एवरेज पावर निकालना तुमको पक गया है एकदम। देखो सुनो, मैंने बोला कि मान लो आपके पास ना, आपको दे रखा है पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, आपको ऐसा दे रखा है। देखो सुनो, मैंने बोला टू और टी स्क्वायर प्लस मैंने बोला टू टी, ठीक है, चलो उसको बोल देते हैं थ्री टी स्क्वायर। थ्री टी स्क्वायर ये है, थ्री टी स्क्वायर, थ्री टी स्क्वायर प्लस टू टी, ठीक है। मैंने बोला फाइंड एवरेज पावर इन 2 सेकेंड्स, बताओ कर दोगे क्या, बताओ बेटा कर दोगे क्या, अरे हाँ ना बोल, यस सर कर दो कर दीजिए। कर दो। ये जानते हो प्लस टू में भी काम आएगा सेम चीज़, बिल्कुल प्लस टू में काम आएगी, इसीलिए अभी बोला मैं। बहुत बढ़िया, अगर तुम्हें ये बातें समझ आ गई तो प्लस टू के चौथे चैप्टर में तुम्हारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां करना ही यही है और कुछ है ही नहीं। कौन सा चैप्टर है वो? एसी, क्योंकि वहां पर सिग्नल चेंज होते रहते हैं ना टाइम के रिस्पेक्ट में, अल्टरनेटिंग करंट, तो एवरेज सिग्नल्स निकालने पड़ते हैं। हाँ करो करो, देखें जरा कितने बच्चे कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चों ने तो दिया भी आंसर। अरे वाह बहुत बढ़िया यार, शाबाश। अच्छा सेम आंसर आ गया क्या, पहले भी 6 आ रहा था, चलो देख लेते हैं। मुझे नहीं पता भाई कितना आएगा, देख लो। तुमने यही कराया क्या, बिल्कुल देखो इस तरह से कराया क्या, बोलो सन्नाटो। सर और ये हो जाएगा देखो 3t³/3, 3 3 को मार देगा तो क्या बचेगा, टी की क्यूब, है ना, और ये 2t था ना यहाँ पर, साथ में 2t भी था, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ठीक है, और 0 से 2 तक। यार हाँ ना बोल यार, आपने यस सर आपने हाफ क्यों लिखा कहाँ पर, हाफ यहाँ से आएगा ना भाई। उधर? अरे इसको देख, इंटीग्रेशन नो, डीटी नीचे, वो टी हो जाएगा बस। हाँ तो टी हो जाएगा तो लिमिट नहीं लगेगी 0 से 2 तक की, ओ अच्छा उसके, ओके फाइन, है कंटिन्यू ना, कंटिन्यू। तो 0 से 2 तक की लिमिट लगेगी। ये आया 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4, तो 8 और 4 12 बटा 2 कितना आया, 6 वाट। यार तुम्हें आया ही नहीं यार, यस सर आना बोल दे भाई, यस पक्की बात एकदम, सोच ले। यस अब सर सुनो, एक बढ़िया सवाल कराया जाए अब। अब सुनो बस, तुम्हें पावर के लिए क्या याद रखना है, पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम, या तो रेट ऑफ, क्या बोलते हैं, या तो फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही तो है और क्या है, पावर यही है ना भाई, रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एनर्जी ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम। अरे हाँ ना बोल दो यार, बेसिकली एक सेकेंड में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है वही पावर है। अरे हाँ ना बोल, एक सेकंड में, तुम वहां पर हिंदी में लिख भी सकते हो ये बात कि एक सेकंड में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है वही क्या है बेटा, पावर है। क्या मेरी बात समझ आ गई? अच्छा अब तुम्हें देखो, अब तुमको मैं एक डेली लाइफ प्रॉब्लम करवाता हूँ। देखो सुनो, पहले मैं तुम्हें सवाल एक्सप्लेन करता हूँ कि सवाल क्या है, उसके बाद सवाल की स्टेटमेंट लिखूंगा। सुनो, तुमने ये देखा है, जैसे मान लो ये है, मान लो क्या कि ये मान लो टैंक वैंक होता है ना, अंडरग्राउंड टैंक होता है, अंडरग्राउंड टैंक देख रखा है तुमने, पानी का टैंक, अरे सबके घर में होता है भाई साहब, ऐसे मत बोलना हमारे घर में टैंक ही नहीं है। होद, हाँ समझ गया सर, पता चले सर वो आते सर म्यूनसिपैलिटी की आती है सर, उसी में नहाते हैं सर हम लोग, हमारे घर में तो है नहीं सर, ऐसा है क्या? इसके अंदर मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है, मैंने बोला मान लो इसके अंदर ऐसे मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, या तुम ऐसा मान लो कि पानी जो है ना ऐसा, कहीं कई बच्चे उसमें सन्नाटे में चले जाएंगे। देखो मैंने बोला कि मान लो यहाँ पानी है, ठीक है, और तुमने क्या कर रखा है ना, तुमने कर रखा है मान लो यहाँ पर, तुमने क्या कर रखा है, एक पाइप वाइप लगा रखी है, ठीक है, कुछ पाइप वाइप लगा रखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है बीच में, ऐसे अगर पानी को ऊपर उठाना हो तो क्या, कैसे, मुंह से चूस चूस के ऊपर उठाते हो क्या, कैसे उठाते हो पानी को ऊपर, मोटर मोटर से उठाते हो ना पक्का, ऐसे तो नहीं नल की टाक के ऊपर चूसने लगते, उससे फिर पानी बाहर आ जाता है। अरे सन्नाटा हो नो सर, अरे यार हाँ ना तो बोल, मोटर लगाते हो ना,
यस सर। मोटर लगाते हैं, बहुत बढ़िया। मैंने बोला यहाँ पर मान लो तुमने कुछ भी ऐसे मोटर वोटर कुछ भी लगा रखी है, उस मोटर की सहायता से जो है ये पानी ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी मोटर वोटर है और उस मोटर की सहायता से पानी ऊपर चढ़ रहा है। कितना ऊपर चढ़ रहा है? मैंने बोला इतना ऊपर चढ़ रहा है और ऊपर गया। लो ये गया, ठीक है, यहाँ चला गया। और यहाँ पर ऊपर क्या है? यहाँ पर ऊपर है एक टैप, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या है? एक टैप है। कौन है ये? प्रियांशु, प्रियांशु आज के बाद प्रियांशु क्लास में पहले सॉरी बोलेगा फिर आएगा। वैसे प्रियांशु अच्छा बच्चा है पर क्या गड़बड़ कर रहा है पता नहीं। चलो यहाँ आओ, देखो देखो यहाँ आ जाओ, सुनो। तो भाई ये टैप है अपनी, ठीक है। ये क्या है अपनी? यहाँ पर ऐसे टैप है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ये अपनी टैप है। टैप समझते हो ना? मैंने बनाने का प्रयास किया है, हालांकि मुझे नहीं पता मैं कितना सही बना पाया हूँ। अरे टैप समझते हो कि नहीं समझते हो? यस सर। अच्छा भैया, मैंने बोला ये टैप है, ठीक है, टैप है भाई, बहुत बढ़िया। और टैप का ना तुम्हें बेटा ये क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्हें दिया गया है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से पानी निकल रहा है, ठीक है, ये एरिया तुम्हें दिया गया है। ये एरिया है 0.1 और मीटर स्क्वायर। समझ गए क्या तुम मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ? यस सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि बेटा मान लो कि ये जो नीचे जो ऊंचाई ये जो है ना, ये गहराई ये 10 मीटर है, ठीक है। और ये जो नीचे भी जो गहराई है ना, ये भी 10 मीटर है, ठीक है। ये जो ऊपर है 10, तो पानी को कितना ऊपर उठाना है हमें? बेसिकली 20 मीटर है, बहुत बढ़िया। और क्या बोला गया तुम्हें? बोला गया पानी को उठाना तो है ही है, साथ साथ बोला साथ साथ जब इसमें से जब पानी बाहर निकले ना, जब इसमें से पानी बाहर निकले ना, तो उसकी रफ्तार है ना कम से कम 10 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। तुम्हें बोल दिया गया ये? क्या बोल दिया गया तुम्हें? कि पानी को उठाना तो है ही है, पर साथ साथ जब टैप में से पानी बाहर निकले तो उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए। ये बोल दिया बेटा। अपने अपने माइक्रोफोन को ऑफ रखें। क्या बोला? कि अपने को 20 मीटर से पानी उठाना तो है ही है, साथ साथ जब इस टैप में से पानी बाहर निकले तो रफ्तार कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होनी चाहिए। अपने को ऐसा बोल दिया, ठीक है। और सवाल में क्या दिया गया हमको डेटा? और सवाल में हमको दिया गया कि वाटर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी समझते हो वाटर की? मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो बोला गया 1000 kg per meter cube। अच्छा, इस 1000 kg per meter cube का क्या मतलब है बेटा? कि इसका ये मतलब है कि अगर एक ऐसा बक्सा बना लो तुम, अगर एक ऐसा बॉक्स बनाओ तुम, ऐसा एक ऐसा बॉक्स जिसकी हर एक साइड जो है ना 1 मीटर की हो, जिसकी हर एक साइड कितनी हो? 1 मीटर की हो, ठीक है। ये भी 1 मीटर की हो, ये भी 1 मीटर हो और ये भी 1 मीटर हो, और इसके अंदर तुम पूरा पानी से भर दो इसको, इसको तुम पूरा पानी से भर दो, और जब इसको तराजू पर रखकर तोलोगे ना, तो इसका वजन 1000 किलो निकलेगा। ये मतलब होता है डेंसिटी, 1000 kg per meter cube का। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes. कि मतलब कि 1 meter cube वॉल्यूम में जो वजन आएगा वो कितना आएगा? 1000 किलो। मतलब कि अगर आप एक ऐसा बॉक्स बना लें जिसकी हर एक साइड जो है वो 1-1 मीटर की लंबी हो, तो उसके अंदर जब आप पानी को पूरा ऊपर तक भर दोगे तो उसमें वजन कितना निकलेगा पानी का? 1000 किलो। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया भाई, एक हमें डेटा ये दे दिया गया। अब तुम सवाल सुनो भाई। सवाल क्या बोला गया? सवाल ये बोला गया, सुने, अच्छा सवाल है। ये सवाल तुम कर गए तो मैं समझ जाऊंगा, हाँ तुम भाई बढ़िया आर चल रहे मामला, कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ सुनो, बोला गया कि वाटर फ्रॉम अ टैंक, जितना जरूरी है उतना लिखूंगा मैं, तुम सवाल सुनो। बोला गया कि वाटर फ्रॉम अ टैंक 10 मीटर बिलो द ग्राउंड है ना, इज टू बी टेकन टू अ हाइट 10 मीटर अबव द ग्राउंड यूजिंग अ मोटर, ठीक है। ये मोटर है यहाँ पर, ये मोटर है, ठीक है। तुमको बोला गया कि जो टैप से जो द एरिया ऑफ द टैप इज 0.1 meter square, ये जो दिया हुआ है एरिया ऑफ द टैप इज 0.1 meter square एंड द वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग फ्रॉम इट इज 10 meter per second, ठीक है। बोला गया कि व्हाट शुड बी द मिनिमम पावर ऑफ द मोटर, व्हाट शुड बी द मिनिमम पावर ऑफ द मोटर टू डू द जॉब। क्या तुम्हें जॉब समझ आई? जॉब क्या है? मोटर का काम क्या है? तुम्हें मोटर का काम समझ आ गया? मोटर को पानी को उठाना तो है ही है, पर साथ साथ इतनी रफ्तार भी देनी है कि वो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे गिर सके। क्या तुम इस सवाल को करना चाहोगे ट्राई, या मुझे करवाना चाहिए? बोलो। अब ट्राई करोगे तो सुनो, मैं तुम्हें हिंट देता हूँ। सबसे पहले तुम 1 सेकंड में कितना पानी से गिर रहा होगा ना, तुम वो मुझे निकाल के दिखाओ कि इससे 1 सेकंड में कितना पानी गिर रहा है। भाई ये हर एक बच्चा करेगा भाई, ये मैं नहीं करवाऊंगा। तो लॉजिक क्या है मैं समझाता हूँ तुम्हें, सुनो जरा एक बार ध्यान से। देखो वाटर की रफ्तार दे रखी है 10 meter per second है ना, तो मैं 1 सेकंड में मैंने तुमसे पूछा कि कितना पानी नीचे गिर गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप 10 meter per second से चल रहे हो, आपकी खुद की रफ्तार अगर 10 meter प्रति सेकंड होती तो आप 1 सेकंड में कितना आगे पहुंच जाते? 10 meter। अरे हाँ ना तो बोल।
अगर मेरी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा ध्यान सुनना, अगर मेरी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड तो 1 सेकंड में मैं कितना चल जाऊंगा? 10 मीटर 10 मीटर। अरे हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब कि जो पानी यहां पर था शुरू में वो 10 सेकंड बाद यहां होगा, वो 10 सेकंड बाद कहीं यहां होगा, ठीक है। तो ये 10 मीटर है, मैंने बोला ये 10 मीटर है मान लो, ठीक है 10 मीटर, ओके 10 मीटर गिर गया पानी, तो मुझे 10 मीटर में वॉल्यूम निकाल लेनी है पानी की कितनी है, ठीक है। देखो जरा अच्छा पानी जो गिर रहा है वो सिलेंडर की फॉर्म में ही गिरेगा, है ना? देखो मैं बता रहा हूँ, तो मुझे तो ये बात पता है बेटा कि रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, क्या ये बात मुझे पता है क्या? तो मास इज इक्वल टू रो इंटू यस वॉल्यूम, सर तो मास इज इक्वल टू रो, रो दे रखी है 1000 इंटू वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है? पाई आर स्क्वायर एच, है ना? उसमें से पाई आर स्क्वायर होता है ये एरिया ऊपर का, पाई आर स्क्वायर होता है ये एरिया, सर्कुलर एरिया। यार हाँ ना तो बोल दे यार, यार तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई मैं क्या बोल रहा हूँ। भाई ध्यान से सुनो जरा एक बार, अगर ये सिलेंडर है, ठीक है ये सिलेंडर है, मैं तुम्हें बोलूँ इसकी वॉल्यूम बताओ, इसकी रेडियस अगर अगर इसकी रेडियस अगर आर है, इसकी अगर हाइट अगर एच है, तो तुम इसकी वॉल्यूम क्या लिखते हो? तुम इसकी वॉल्यूम लिखते हो ना पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें से पाई आर स्क्वायर तो ये एरिया होता है ऊपर का, और ये एरिया तो अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.1, है ना? तो कितना आया मास? 0.1 × 10। यार तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक कुछ समझ नहीं आई, तो ये कितना हो गया? 1000 kg। अच्छा भाई आगे बहुत आगे बढ़िया, मतलब के 1 सेकंड में, तुम मुझे एक बात बताओ कितना पानी नीचे गिर गया 1 सेकंड में? 1000 किलो पानी, है ना? 1000 किलो पानी नीचे गिर गया। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, अब मुझे क्या बात करना है? अब मुझे बात करनी है इस मोटर की पावर की, मुझे क्या बात करनी है इस मोटर की पावर की। तो क्या मैं बस चुपचाप से ये निकाल दूं कि 1 सेकंड में एनर्जी कितनी खर्च हुई है, एनर्जी पर सेकंड निकाल दूं, वही तो पावर होगी। तुम्हें नहीं आया? 1 सेकंड में खर्च होने वाली एनर्जी अगर मैं निकाल दूं तो क्या यही पावर है मोटर की? अब मुझे एक बात बताओ, ये जो पानी यहाँ से गिर रहा है इसकी एनर्जी तो लिखना मेरे लिए बच्चों का खेल है ना, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोला, है ना? तो क्या एनर्जी लिखोगे? एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और साथ में इसकी पोटेंशियल एनर्जी पर सेकंड, 1 सेकंड की लिखा मैंने, इसलिए मास देखो 1 सेकंड का लिखूंगा मैं, ठीक है? तो ये एनर्जी पर सेकंड क्या हो जाएगी? यही यही होगा पावर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? है ना? तो देखो पावर क्या आया, ये आया 1/2 इंटू 1000 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब 10^2 मतलब 100, और प्लस क्या आया 1000 इंटू 10 और इंटू हाइट क्या है 20 है। देखो कहाँ से उठा रहे हो? अरे हाँ ना तो बोल, 10 + 10 तो कहाँ से उठा रहे हो? 20 से उठा रहे हो ना, तो जो भी आ रहा है ये तुम्हारा पावर है। बताओ कितना आया था? 250 kW आएगा मेरे हिसाब से, देखना जरा, ये आएगा 2500, ये आएगा 250 × 10^3 W। देखो यही आ रहा है क्या, सॉल्व करके देखो, तो मतलब कि 250 kW की पावर चाहिए कम से कम मुझे, जो कि ये काम कर सके। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई दूर दूर तक, कुछ भी समझ नहीं आया? पक्की बात एकदम? जब आप समरसिबल खुदवाते हो ना, आपको पता नहीं है इस चीज का, जब आप समरसिबल खुदवाते हो तो वो पहले क्या करते हैं, आप उनसे पहले शुरू में पूछते हो कि भाई भैया हमें कितने किलोवाट की मोटर लगानी पड़ेगी, तो वो समरसिबल खोदने वाला जो मिस्त्री होता है ना, वो जो मजदूर होता है, वो कहता है कि पहले भाई साहब देखने दो मुझे पानी कितने हाइट पर निकलेगा, पहले पानी कितनी गहराई पर निकलेगा, फिर क्या करते हैं, फिर वो तुम्हारे घर में समरसिबल खोदना शुरू कर देते हैं, और फिर जिस भी हाइट पर पानी निकलता है ना, उस हिसाब से वो तुम्हें कैलकुलेट करके ये बताता है कि तुमको बाजार से जाकर अपने समरसिबल के लिए कितनी वाट की मोटर लेकर आनी है। हाँ ना बोल दे भाई साहब, देख लो एक खोदने वाले मजदूर को भी इतनी कैलकुलेशन आती है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? तो क्या हमें आनी चाहिए क्या? हम तो अच्छे अच्छे बच्चे हैं भाई साहब, आनी चाहिए, है ना? तू देख ले, एक जो नॉर्मल सा जो मजदूर है, वो जो भाई साहब खुदाई कर रहा है समरसिबल की, उसको भी इतनी कैलकुलेशन आती है, वो भी कैलकुलेशन करके आपको ये बात बता देता है कि आप बाजार जाओ और इतने किलोवाट की मोटर ले आओ। तो भाई साहब हम तो पढ़े लिखे बच्चे, हमको ये कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। हाँ ना बोल दो भाई साहब, पक्की बात एकदम, सोच ले एकदम पक्की यस बात है, सर। कोई शर्माना नहीं, बिल्कुल घबराना नहीं भाई साहब, 10 बार पूछे एकदम, शर्मा मत। आपने क्या, क्या कह रही है बेटा? आपने फॉर्मूला यूज किया ना, ये वाला बेटा सुन, देख ध्यान से सुन। तो मुझे एक बात का पता है कि भाई जैसे पावर जो है वो एनर्जी पर सेकंड ही है, मतलब 1 सेकंड में बेटा जितनी एनर्जी इस्तेमाल होती है वही पावर होती है, ठीक है? तो अब देख, अगर 1 सेकंड में इस्तेमाल होने वाली एनर्जी लिख दूं मैं, बेसिकली एनर्जी किसकी एनर्जी? पानी की, गिरते हुए पानी की एनर्जी लिखनी है मुझे। तो देखो पानी बेटा बहुत हाइट पर भी है, भाई ये रेफरेंस लेवल है, यहाँ से उठा रहे हो आप, है ना? यहाँ से उठा रहे हो, तो एक बात तो आप पानी को यहाँ से उठाकर लेकर गए, तो पानी की कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, है ना? और पानी साथ साथ 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिर रहा है, मतलब पानी की काइनेटिक एनर्जी भी है।
ना, और मैंने एक सेकंड का मास निकाल रखा है, तो मतलब जब मैं एनर्जी लिखूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली क्या लिखी जाएगी, एनर्जी पर सेकंड लिखी जाएगी। नहीं आया आगे। और ये जो एनर्जी पर सेकंड है यही क्या है, यही पावर है? नहीं आया आगे। खाना बोल दे, पक्की बात एकदम? Yes, चलो अरे अच्छा, और किसी और का डाउट है तो और कोई बता दो बेटा। पहले मुझे यहाँ चैट बॉक्स में मुझे 19 यस चाहिए, 19 यस जब मुझे मिल जाएंगे उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहले 19 यस चाहिए मुझे पहले यहाँ पर। कोई बच्चा झूठी यस नहीं बोलेगा, झूठ तो बोलना ही नहीं बिल्कुल, 1% भी झूठ नहीं बोलना बेटा, बस बाकी सारे काम देख लूंगा मैं। तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारे सिखाने की तुमको गारंटी मेरी, मैं गारंटी लेता हूँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, गारंटी नहीं ले बिल्कुल एकदम ऐसे, मतलब झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी एकदम। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ यहाँ सुनो एक बार, ज़रा देखो यहाँ सुनो, और सवाल करते हैं तुम्हें, और फॉर्मूले की तरफ ले जाता हूँ। बेटा सुनो, अभी तक मैंने क्या बताया तुम्हें, अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें यही बताया कि जो पावर है वो है वर्क डन पर यूनिट टाइम। क्या है वो? वर्क डन पर यूनिट टाइम, यही मैंने बताया। या फिर क्या बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, यही बताया मैंने तुम्हें। अब मैं तुम्हें एक और फार्मूला बताता हूँ देखो पावर का, सुनो। ये फार्मूला बहुत सारी जगह इस्तेमाल लोगे तुम, देखना सुनना ज़रा। देख बच्चे को बताया गया कि भाई पावर इज इक्वल टू dW/dt, यही होता है क्या बेटा? हाँ ना बोल दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, सबसे पहली वीडियो में यही बताया गया, तुम भूल तो नहीं गए हो ना? अगर ये भूल गए तो भाई साहब तोते उड़ जाएंगे, सवाल आएंगे पेपर में परसों, अभी जब 17 तारीख को पेपर होगा जब, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्या यही होता है क्या? अच्छा अगर फोर्स कॉन्स्टेंट होता, अगर फोर्स कॉन्स्टेंट होता तो क्या फोर्स को मैं डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकता था और अंदर बचता ds/dt? अच्छा ये ds/dt क्या है? एक्सेलरेशन। ds/dt, ds/dt वेलोसिटी है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या है ये? वेलोसिटी है। तो देखो पावर का एक और फॉर्मूला आया मेरे पास, क्या आया? एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तुम्हें आया ही नहीं? यार हाँ ना तो बोल दे यार, अगर तभी होगा ना सर, कांस्टेंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही भाई विनय ने एकदम, कि ये तभी लगेगा जब फोर्स कैसा हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? पावर इज इक्वल टू एफ वेक्टर और डॉट वी वेक्टर, पर इस फॉर्मूले को आप तभी लगा सकते हैं जब फोर्स और जब फोर्स कैसा हो बेटा, कांस्टेंट हो, नहीं तो ये फॉर्मूला को लगाना पॉसिबल नहीं है। यार हाँ ना बोल दे यार, नहीं है। Yes, sir. Yes. अच्छा सुनो, इस फॉर्मूला को तुम जानते हो, मॉडिफाई कर लेना अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो। देख पहले एफ एज इट इज और ds/dt प्लस एस एज इट इज और df/dt, नहीं आया? Yes, आया ना? आया आया, मैं क्या बोला तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? अरे अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो u into v रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर लेना यार, छोड़ो उतना आगे नहीं जा रहा, जब यूज आएगा तब बता दूंगा तुम्हें। तुम्हें ये तो बात समझ आई ना कि पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी? Yes, sir. चलो अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई है तो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, मुझे इस सवाल का जवाब दे दो चुपचाप से बिल्कुल। इस सवाल का जवाब अगर गलत दे दो तुम तो शीशे के सामने खड़े होकर रोना, मैं ऐसा क्यों हूँ? ये धरती माता है मान लो, और ये एक डब्बा है, और ये डब्बा है 2 किलो का, ठीक है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, ठीक है, और समय शून्य पर इसकी जो रफ्तार है वो शून्य ही है, ठीक है। तुमको बोला गया कि फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स एट t = 2 सेकंड, फाइंड पावर एट t = 2 सेकंड, फाइंड पावर एट t = 2 सेकंड। गलत कर दो शीशे के सामने रोना खड़े होके, मैं ऐसा क्यों? अच्छा देखो जरा यहाँ पर कैसे करा तुमने, सबसे पहले क्या निकाला तुमने? एक्सेलरेशन निकाल लिया होगा। यस सर। भाई जो नेट फोर्स होता है वो बॉडी के मास इनटू बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर होता है, भूल तो नहीं गए हो? ऐसे कुछ नहीं होता है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही है एक्सेलरेशन। Yes, क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? Yes, sir. तो क्या मैं एक कंटीन्यूअस मोशन इस्तेमाल कर सकता हूँ 2 सेकंड पर वेलोसिटी निकालने के लिए? तो v इज इक्वल टू u प्लस at, शुरू में रफ्तार थी 0, तो वेलोसिटी कितनी आ गई? 15 × 2, तो वेलोसिटी आ गई 30 मीटर पर सेकंड। भाई साहब नहीं आया तुम्हें मैं क्या बोला? तो पावर क्या आ गया? पावर आ गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। अच्छा सीधा सर डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं कर रहे हो सर? क्योंकि बेटा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है क्या वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है क्या? Yes, sir. Yes. यार तुम्हें आया ही नहीं यार मैं क्या बोला? Yes, sir. है ना, इसीलिए नहीं तो कंपोनेंट लेके मैं पहले ही उसी हिसाब से एक्सेलरेशन निकालता, अगर ऐसा होता भी तो अलग डायरेक्शन में कराऊंगा अभी वैसा सवाल भी। तो देखो जरा ध्यान से, फोर्स कितना है? फोर्स है 30 × 30, तो कितना हुआ? 900 और कितना आया? अच्छा पावर है ना तो वाट आ जाएगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes. बोल भाई। Yes. की बात एकदम सोच yes. लो। Yes, आ जाओ सुनो, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें ये सवाल समझ आया है, एक और सवाल बिल्कुल चुपचाप एकदम, गलत नहीं करना है बिल्कुल एकदम। मैंने बोला धरती माता डब्बा 5 किलो का,
भाई साहब फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई साहब, ये लग रहा है 37 डिग्री के एंगल पर। तुमको बोला कि पावर बताओ, पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। फिर से चलो बताओ, गलत नहीं करेगा कोई बच्चा। आओ देखो सुनो, करते हैं फिर ब्रेक ले लेंगे थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सुनो, ये 50 का 40 और ये 30, इस 30 से मेरा कोई लेना देना नहीं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ठीक है यार, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना, मैं क्या बोला? अभी सर एक्सेलरेशन कितना आया? 8 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। हां ना बोल दे यार, v इज इक्वल टू u प्लस 80, u हो गया 0, v इज इक्वल टू बोलो 8 × 2 = 16, पावर कितनी आ गई? 16 × 50 = 40। शाबाश, जो भी आ रहा है वो आंसर, तुम्हें नहीं आया? आगे सर। अरे हां ना बोल दो, पक्की बात? एकदम पावर से घबराहट तो नहीं हो रही? मन से डर तो नहीं लग रहा पावर से कोई? नो सर। है ना पावर, या तो वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर क्या, फोर्स इनटू वेलोसिटी, बात खत्म। अरे यार तुम्हें नहीं आया? आ गया सर। पक्की बात एकदम सोच लो, कोई घबराहट नहीं मन के अंदर? नो सर, आ गया 110% सर। यस सर। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अब ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना तुम लोगों को अच्छे से अभी? अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, आ जाओ और करते हैं। और एक बात और, जैसे अभी जानती हो प्रियांशु ने जानबूझ के गाने नहीं बजाए, मुझे अभी पता चला, तो क्या करना है आप लोग, उसके फ़ोन की रिंगटोन बज गई थी। अब वो जो रिंगटोन है वो गाना था, तो इसलिए कोशिश करें कि जब आप क्लास लें तो उस टाइम पे अपना फ़ोन जो है वो आप साइलेंट करके बैठें, ठीक है? ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो अगर पता चले कभी आपकी गलती भी नहीं हुई, फिर भी पता चले आपको सुनना पड़ गया, तो ऐसे गड़बड़ा जाएगा मामला फिर, है ना? तो एकदम बिल्कुल साइलेंट वाइलेंट करके बैठे। और मैं तो कहता हूँ अलग से ऐसे रूम में बैठो जहाँ पर जो है ना किसी का आना जाना ना हो बार बार, ना तो पेरेंट्स डिस्टर्ब करें ना कोई और डिस्टर्ब करे, अपना आराम से बैठ के पढ़ते रहो आराम से। तो जो मेहनत आप बेटा बिल्कुल साइलेंस में जो मेहनत करोगे ना, वही फल देगी आपको। ऐसे सबके सामने इधर उधर ये वो पढ़ता पढ़ता उसमें फल नहीं मिलता, साइलेंस में बैठ के अलग से एकदम एकांत में बैठ के जो पढ़ाई होती है ना उसमें फल मिलता है। मेरी बात समझ आई तुम्हें? यस सर। चलो आज बहुत बढ़िया, आप शुरू करते हैं। देखिए तो भाई ठीक है, मुझे ये सवाल समझ आया, कोई बात नहीं भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। और करते हैं, आ जाओ देखो और करते हैं। अब इसमें फ्रिक्शन फ्रिक्शन और लगा देता हूँ मैं। मैंने बोला कि चलो मान लो कि, अरे एक मिनट, मैंने बोला मान लो ये है अपने पास एक डब्बा, ठीक है? मैंने बोला ये धरती माता है, और धरती माता के ऊपर ये है मान लीजिए एक डब्बा 2 किलो का, ओके, और 30 न्यूटन का फोर्स उसके ऊपर ऐसे लग रहा है। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। हाँ छींक आती आती रुक गई, चलो कोई नहीं। और फिर मैंने बोला कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन कॉफिशेंट है ना वो है 0.5। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ये बात भी मुझे समझ आई। अपने को क्या बोला गया? अपने को बोला गया बेटा कि एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो ना, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो इसकी जो रफ्तार है वो ज़ीरो ही है, ठीक है? आपको बोला गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड, मतलब एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है? 2 सेकेंड में कितना पावर डिलीवर हो जाएगा वो बताना है, ठीक है? कर सकते हो ना? यस सर। देखो सुनो जरा एक बार, तो मैंने देखा कि भाई चलो ठीक है 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मुझे पता है कि नीचे नॉर्मल कितनी लग रही होगी बेटा, नॉर्मल बताओ। 20 न्यूटन, ठीक भाई बहुत बढ़िया, नॉर्मल हो गई 20 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? 10। कितना बोलो बोलो? 20 × 0.5, तो ये हो गया 10 न्यूटन। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, तो जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स क्या होगा? 20 न्यूटन्स, 30 - 10। 30 - 10, और नेट फोर्स किसके बराबर होता है? बॉडी का मास इनटू बॉडी का ही एक्सेलरेशन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस सर। की बात एकदम सोच लो। यस सर। एक्सेलरेशन कितना आ गया? देखो 20/2 कितना आया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अपन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी क्या जाएगी? u प्लस 80, बात समझ आई? और u तो 0 थी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 10 × 2, तो वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब ये पावर किसकी वजह से पावर पूछ रहा हूँ मैं, कौन है डिलीवरिंग फोर्स? बाहर से लगने वाला फोर्स कौन है? 30 न्यूटन। भाई वो फोर्स कौन है जो पावर डिलीवर कर रहा है? 30 न्यूटन है बेटा वो फोर्स जो पावर डिलीवर कर रहा है। तुम बोलोगे सर नेट फोर्स होना है सर पावर डिलीवर, तो बेटा 30 न्यूटन ही तो है जो इस फ्रिक्शन को भी ओवरकम करके 20 न्यूटन लाके ये एक्सेलरेशन लाके और फिर इतनी वेलोसिटी ला रहा है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? Yes. तो बेटा जो पावर कैलकुलेट करोगे ना, तो पावर में एक्सटर्नल फोर्स करोगे, क्योंकि दिस इज द फोर्स व्हिच इज डिलीवरिंग द पावर एंड नॉट दिस। क्या मेरी बात समझ आई? दिस इज द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम, पर व्हिच फोर्स इज डिलीवरिंग द पावर? दिस फोर्स। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार?
है ना, तो कितना लिखा जाएगा बेटा मैं बताता हूँ। देखो इतना ये कैलकुलेशन तो क्लियर है ना यहाँ तक। Yes, sir. अब मैंने ये बोला है कि जब आप पावर निकालोगे ना बेटा, तो पावर में आप क्या करते हो, अब पावर में उस पावर जब आप लिखते हो ना एफ इजिकल पी इजिकल टू एफ इन टू वी, तो बेटा उसमें जो एफ होता है ना, एफ वो फोर्स होता है जो पावर ला रहा है, जो पावर जनरेट कर रहा है। तो पावर कौन ला रहा है, ये ला रहा है या ये ला रहा है? ये तो बच रहा है, ये तो बचा हुआ नेट फोर्स है। पावर तो लाने वाला ये फोर्स है ना जो खींच रहा है बॉडी को, है ना? Yes, तो एफ इन टू वी, तो कितना आएगा ये आएगा 600 वाट ना कि 400 वाट। क्या मेरी बात समझ आई? 20 नहीं रखना है यहाँ पर क्या रखना है, 30 रखना है। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? हाँ, अगर स्पेसिफिकली पूछा हो सवाल में कि फाइंड आउट द पावर जनरेटेड ड्यू टू द नेट फोर्स, जब ऐसा बोल दे तो क्या रखोगे फिर 20 रखोगे। क्या मेरी बात समझ आई है? और कुछ भी ना बोला हो तो क्या रखना है, एक्सटर्नल फोर्स रखना है। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार, पक्की बात एकदम? चलो अब आओ एक बढ़िया सवाल करते हैं। अब देखो ये अच्छा सवाल है, जिसको थोड़ा थोड़ा काइनेमेटिक्स आता है ना, जिसको असली वाला काइनेमेटिक्स आता है उससे होगा ये सवाल। सुनो जरा ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना इसमें, कर सकते हो तुम ये। मैंने बोला कि मान लो ये धरती माता है और ये गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, ठीक है। मैंने बोला मान लो ये गाड़ी है, ओके, ये गाड़ी हो गई भाई, कोई बात नहीं, गाड़ी हो गई है, ठीक है, और गाड़ी है, और ये गाड़ी पता है ये बोला कि इसको ना अपन एक कांस्टेंट ऐसे पावर, अब इसको एक आगे मतलब ऐसे फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स की वजह से जो पावर है ना वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पावर है, ठीक है, पावर इज कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट पावर, ये जो फोर्स लग रहा है ना इसकी वजह से जो पावर जनरेट हो रही है दैट इज कांस्टेंट पावर, ओके। आपको बोला गया कि लेट सपोज दैट द क्या बोलना चाहिए मुझे, लेट सपोज दैट द इंजन ऑफ द कार सप्लाईज अ कांस्टेंट पावर, ठीक है, ये पावर कांस्टेंट है, ठीक है। बोला गया कि लेट एट टी इज इक्वल टू जीरो, जिसकी वेलोसिटी है वो जीरो है, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पर बोला गया कि वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, ठीक है। फिर बोला गया कि देन फाइंड आउट द स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ एक मिनट, सुने जरा आप ध्यान से। लेट सपोज दैट द इंजन ऑफ द कार डिलीवर्स अ कॉन्स्टेंट पावर, डिलीवर्स अ कॉन्स्टेंट पावर, ओके, कॉन्स्टेंट पावर आ रहा है, बोला पी है मान लो, ठीक है, उस आपको दिया गया है मान लो P है वो, ठीक है। फिर आपको बोला गया कि T इज इक्वल टू जीरो पर तो U जीरो है, ठीक है। आपको बोला क्या गया, पहला सवाल आपको बोला गया कि आप ये बताएं, क्या बात है हैंग कर रहा है, पहला आपको बोला गया कि फाइंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। और दूसरा सवाल क्या बोला गया, दूसरा सवाल बोला गया कि फाइंड स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ये दो सवाल आपको बोले गए, अगर ये सवाल आप लोग कर पाए तो बहुत मजा आ जाएगा, मतलब एकदम सही में जेई का सवाल है पूछा हुआ। पावर कांस्टेंट है याद रखना, कहीं फोर्स को कांस्टेंट मान लो। बोला स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी और स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, जिसको एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चेंज करना आता है ना वो कर पाएगा इस सवाल को। करो पर हुआ तो है, वो है, बताना कितना आंसर आया है। अंडर रूट पीटी बस ना यार गलती हो गई। देख सुन बेटा, यहाँ आ जा, देख मैंने क्या बोला कि बेटा पावर को लिखें आप फोर्स इनटू वेलोसिटी, अभी बताया गया, तो यहाँ से जो फोर्स आया, फोर्स क्या आया, पावर बाय वेलोसिटी, ठीक है। पावर आपको दिया हुआ सवाल में, ये एफ आपको दिया हुआ नहीं है, ठीक है, वैसे भी इस एफ को तो मैं हटाने वाला हूँ। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पी बाय वी, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया पी बाय एम इनटू वी, यही आएगा क्या, बोलो
सर है ना, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा मुझे बताना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी या स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। देखो पहला सवाल स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है ना, ये बताना है। तो क्या करें, एक्सेलरेशन को लिख दें डीवी बाई डी टी। देखो काम हो गया आपका, क्या हुआ पी और इज डिवाइड बाई एम वी। तो देखो डीवी क्या आया, यहाँ से डीवी आया पी बाई एम वी और इंटू डी टी। हाँ ना, तो बोल दे यार इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्या, लो इंटीग्रेट कर लो। तो जीरो से वी तक इंटीग्रेट कर दो और जीरो से और क्या करें किसी टी तक इंटीग्रेट कर दें। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। देखो वी को इस तरफ लाना पड़ेगा अपने को है ना, क्योंकि वी है ना अभी वी वेरिएबल है, तो यहाँ तो वी का इंटीग्रेशन हो नहीं सकता, इसको उधर लाना पड़ेगा है कि नहीं। देखो इंटीग्रेशन करने से पहले मैं उधर इसको इस तरफ ले आता हूँ, देखो ये रहा। तो वी को इस तरफ लेकर आओ तो क्या बनेगा, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो dv into v बनेगा है ना, v into dv, v dv है ना, और v dv is equal to क्या बना p by m और साथ में dt। यही आएगा कि कुछ और आएगा, ये आएगा पक्की बात एकदम है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर दें बस, लो हो गया काम, जीरो से v तक और जीरो से और t तक। तो क्या बना ये बना v square by 2 is equal to p by m, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और अंदर बचा dt है ना, और जीरो से लेकर t तक की लग गई लिमिट। तो v square इज इक्वल टू टू पी और ये तो टी हो जाएगा और डिवाइड बाय एम हो जाएगा है ना। तो वी क्या आ गया, यहाँ से वी आ गया अंडर रूट टू और पी टी बाय एम। मेरी बात समझ आ गई तुम्हें, पक्की बात एकदम, सोच लो। यस देखो पहला पार्ट हो गया, अब दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ये पूछा, देखो स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कहाँ गया, ये हैंग करने लग जाता है ये तुम्हारे, ये टाइम आते आते हैं ना क्योंकि काफी इधर हो जाते हैं चलते चलते। क्या बोलता है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, देखो सुनो यहीं से आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ गया ना। अच्छा एक्सेलरेशन की वो फॉर्मेट बताओ जिसमें टाइम ना आता हो, कैसे लिखूं एक्सेलरेशन को। देखो ये लिखवाने सिखाया मैंने तुम्हें, ये पता है कैसे लिखते हैं, नहीं आया तुम्हें, बस लिख दो हो गया सवाल, कर दो जल्दी कर दो, रुको मत अब। देखो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस आ जाएगा, देखो जल्दी कर दो रुको मत। v dv by dx is equal to pmv, v को उधर ले आओ, v square dv is equal to p by m into dx, बस हो गया काम। अगर ये ना पता हो तो पूछ लेना ये कैसे लिखा है मैंने, शर्माना मत, ऊपर आएगा। देखो सुनो, तो मैं तुम्हें लिखना बताता हूँ, देखो कैसे लिखते हैं उसे। भाई मुझे स्पीड बताना है फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। देखो एक्सेलरेशन को मैं तो ऐसे लिखना जानता था, कैसे dv by dt ऐसे लिखना जानता था मैं, ठीक है, और सामने क्या है p by mv, पर मुझे तो टाइम चाहिए ही नहीं है, टाइम तो मेरे लिए अनवांटेड है। और टाइम को भगाने का तुम्हें कभी भी बताया था बेटा, सिर्फ एक तरीका है, टाइम को कैसे भगाते हैं, dx से कर दो मल्टीप्लाई और dx से कर दो डिवाइड है ना। तो ये dx by dt क्या बन जाएगा, dv क्या बन जाएगा, v बन जाएगा, तो v बन गया और साथ में क्या है dv, नीचे क्या है dx और सामने क्या हो जाएगा p by mv। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई, बस वेरिएबल सेपरेट कर लो, वेरिएबल सेपरेट कर लो, यहाँ पर वेरिएबल v है ना, v को उस तरफ ले जाओ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन वहां होना है, x को यहाँ ले आओ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v square dv is equal to p dx है ना। चलो इंटीग्रेट कर दो, जीरो से किसी v तक और जीरो से किसी x तक, तो क्या हो गया v की क्यूब और डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू क्या आया, p बाहर आया और अंदर बचा x इंटीग्रेशन होने के बाद है ना। तो v क्या आ जाएगा, m आएगा ना, बस m भी था, हाँ बेटा m भी था है ना, तो p बाय m बाहर आएगा, ठीक है। तो v क्या आ गया, ये आ गया p बाय m और ऊपर आया 3 और ऊपर आया x और उसका क्यूब रूट मतलब 1/3। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई यार, तुम्हें नहीं आया ना बेटा, शर्माओ मत, बिल्कुल बिल्कुल भी शर्माओ, थोड़ा सा भी मत शर्माओ, बार बार पूछो, कोई शर्म नहीं करनी भाई साहब, कोई शर्म नहीं करनी, बार बार पूछ सर, फिर बता दे एक बार फिर सुन ले, ले कोई बात नहीं। अच्छा पहला वाला पार्ट बताऊं या दूसरा पार्ट, बोल बेटा पहला पार्ट या दूसरा पार्ट, स्टार्टिंग से बता दे, स्टार्टिंग से देख सुन, स्टार्टिंग से बता दो। देखो सुनो, ये बोला गया था बेटा कि एक जो इंजन है ना गाड़ी का, बोला गया कि गाड़ी का जो इंजन है वो कांस्टेंट पावर डिलीवर कर रहा है, ठीक है, मतलब कि पावर कांस्टेंट है, ठीक है। फिर बोला गया था कि आपको क्या बताना है, बोला गया था कि आपको स्पीड बतानी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ठीक है। पहला सवाल ये था कि स्पीड बतानी है फंक्शन ऑफ टाइम टी, पावर कांस्टेंट है, तो मैंने कहा देख पावर को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स क्या हो गया, पावर डिवाइड बाय वेलोसिटी, उधर चला गया, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, मास को नीचे भेज दो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पी बाय एमवी है ना, पी बाय एमवी आ गया, ऐसे आ गया।
फिर देखो एक्सेलरेशन को मैं लिखना जानता हूँ, एक्सेलरेशन का मुझे पता है कि डीवी बाई डी टी होता है, ठीक है इसको इग्नोर करो अभी, ये दूसरे पार्ट के लिए है। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी लिख दिया और ये पी बाई एम वी, ठीक है पी बाई एम वी। तो यहाँ से देखो अपने क्या कर, देखो वी का इंटीग्रेशन तो इस तरफ होने वाला है ना, तो वेरिएबल सेपरेट कर दो, मतलब वी को इधर ले जाओ और एम को उस तरफ ले जाओ, डी टी को उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो गया ये देख, वी डी वी इज इक्वल टू पी बाई एम इंटू डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये आ गया देखो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया अपने पास, ठीक है देखो जरा ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया। दूसरे पार्ट में बोला था, देखो दूसरे पार्ट में बोला था कि क्या बताना है, स्पीड बताना एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है स्पीड बताना एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो मतलब टाइम नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो देखो एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन है पी बाय एम वी ना, देखो यहीं से शुरुआत करते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू पी बाय एम वी, देखो सुनो, तो मुझे पता है कि एक्सेलरेशन होता है डी वी बाय डी टी, मैंने बोला अगर टाइम को भगाना है, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम को भगाना ही है, तो क्या करें डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और डी एक्स से डिवाइड कर दें, ठीक है डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड कर दें और ये डी एक्स बाय डी टी हो जाएगा वी, तो क्या हो जाएगा वी डी वी और नीचे डी एक्स है ना इज इक्वल टू पी बाय एम वी। अब फिर से वेरिएबल सेपरेट कर लो, वी को उस तरफ लेकर जाओ क्योंकि वी का इंटीग्रेशन तो वहाँ होना है, तो वी स्क्वायर डी वी और डी एक्स को उधर ले गया तो पी बाय एम इंटू डी एक्स, ठीक है इंटीग्रेट करा और आंसर। यार तुम्हें नहीं आया यार, झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी, तुम 10 बार पूछोगे तो बेटा मैं 10 बार भी बता दूंगा, छोटी छोटी चीजें भी 10 बार पूछोगे तो मैं ये भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्माना नहीं, बस शर्माओ मत और मुझे बता दो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं ऐसा समझू, हमें समझ आया अच्छे से, पक्की बात, कोई शर्माट, कोई ऐसा घबराहट तो नहीं है मन के अंदर ऐसे? बहुत बढ़िया भाई, अब आ जाओ बेटा, अब एक और नया टॉपिक शुरू करते हैं। पावर में इतना ही था मेरी तरफ से, ठीक है बाकी आप लोग जितना करेंगे उतना ज्यादा आपका टॉपिक चमक जाएगा। एससी वर्मा से जितने ज्यादा सवाल करेंगे उतना ज्यादा आपको फील आएगी अंदर से सब्जेक्ट की। अब मुझे एक बात बताओ, एससी वर्मा से वर्क पावर एनर्जी खत्म कौन कौन कर चुका है, क्योंकि मुझे डिस्कस भी करनी है एक बार, खत्म कौन कौन कर चुका है एससी वर्मा से वर्क पावर एनर्जी, कोई है क्या ऐसा जिसने खत्म कर ली हो? सूर्य कितने सवाल करें वर्क पावर एनर्जी से? सूर्य कितने रैंडमली किया, उठा उठा के, रैंडमली नहीं होता ना भाई, रैंडमली नहीं होता, लाइन से चलो, सवाल नहीं हो तो उसके ऊपर गोला मार दो और हो जाए तो आगे बढ़ते चलो, रैंडमली नहीं होते सवाल, ऐसा थोड़ी शकल की, सवाल की शकल अच्छी लग रही इसको कर लिया, इसकी शकल ही बहुत गंदी लग रही इसको नहीं करूंगा, ऐसे नहीं सीखोगे भाई। मितांशी कितने सवाल कर लिए? तो 50 होने वाले हैं, 50 होने वाले हैं टोटल में, शायद 60 के आसपास सवाल हैं, उसमें ज्यादा हैं, 64 है, हाँ 64 है, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया शाबाश बेटा, निपटा दे आज उसको, आज उसको पूरा निपटा देना, ठीक है ना? यस सर। हाँ तो वर्टिकल सर्कल के भी बहुत सारे सवाल मिलेंगे ना उसके अंदर, वो पैग वैग वाले सवाल मिले होंगे उसके अंदर, देखो है ना, ठीक भाई बहुत बढ़िया। और दिव्यम ने कितने सवाल करें एससी वर्मा से? दिव्यम कितने सवाल करें बेटा? और अंकिता ने, अंकिता ने किए सवाल या उसने, संगीता ने, रिया ने, रिया बेटा कितने सवाल किए हैं? 20। ठीक है बेटा, बाकी भी निपटा दे फटाफट से, ठीक है ज्यादा देर नहीं लगानी। ओके हाँ, संगीता ने कितने करे बेटा? 28। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। और सिद्धार्थ ने कितने किए हैं? 20 के आसपास। तो भाई ये तो गलत बात है ना यार, ये बहुत गलत बात है, तो निपटा दे उसको फटाफट, ठीक है? अच्छे बच्चे भी जो सवाल लिख लेंगे कैसे काम चलेगा? पेपर्स पहले हो जाएंगे। हाँ ठीक है, वासवी ने कितने सवाल किए हैं? वासवी बेटा बोलो। सर 33। भाई वाह बहुत बढ़िया, शाबाश, निपटा दे बेटा उसको, निपटा दे ताकि जब मैं डिस्कशन में लेके बैठूं ना तो जो सवाल नहीं हुए अपन फटाफट से कर पाए उसको। बाकी वर्क पावर एनर्जी में से बहुत कम सवाल होंगे जो तुमसे ना हुए होंगे, पहले ही करवा दिए मैंने इतने सारे, इतनी वैरायटी कवर कर दी है ना कि डाउट बहुत कम निकलेंगे उसमें, बाकी निकलेंगे भी तो फिर तो मैं ले लूंगा उसमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, और कौन बचा? कार्तिक बेटा कितने सवाल किए वर्मा के? 25 तक किए हैं। बेटा जल्दी निपटा, थोड़ा सा है, थोड़ा सा डिले चल रहे हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा और तेज कर उसको, ठीक है? आज रात को जब सोए ना तो आज रात को कम से कम 40-45 सवाल तक करके सोइयो, ठीक है, ताकि कल बाकी कर सके सारे के सारे, है ना? ओके सर। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, चलो आ जाओ, अब मैं और आगे बढ़ाता हूँ चर्चा को थोड़ा सा, ये पोर्शन अपना खत्म हो गया यहाँ पर बेटा। अब मैं आपके साथ थोड़ी सी सर्कुलर मोशन की बातें करूंगा। पहले जो हमने सेगमेंट क्लियर जो पढ़ा है जो सर्कुलर मोशन का, वो स्ट्रिक्टली वर्टिकल सर्कुलर मोशन था। कौन सा था बेटा? वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन था। अब जो हम पढ़ेंगे अब वो जनरल सर्कुलर मोशन होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर होगा, उसमें वर्टिकल के सवाल नहीं होंगे, बेसिकली जनरली होगा, ठीक है बेटा? उससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अब मैं तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें बताता हूं, बेसिक चीज़ें बताता हूं अब तुम्हें, बिल्कुल सुने अब ज़रा ध्यान से बेटा। जब आपको स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ाया गया था,
है ना, जब याद करो काइनेमेटिक्स में जब मैं को स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा रहा था, तब सबसे पहले जब देखो स्ट्रेट लाइन मोशन जब पढ़ाया मैंने, मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट बताया सबसे पहले, याद है डिस्प्लेसमेंट बताया था, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बताया, फिर मैंने आपको वेलोसिटी बताई, मैंने आपको एक्सेलरेशन बताया, याद है कि नहीं याद है तुम्हें ये सब चीज़ें, याद है ना? यस अरे याद करो यार, बताया था यार, से मत करो, कूद जाऊंगा मैं प्रसाद पे चढ़ के, बताया था कि नहीं बताया था, डिस्प्लेसमेंट बताया था, वेलोसिटी बताई थी, एक्सेलरेशन बताया था बेटा। उसी प्रकार से जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, जब हम क्या पढ़ते हैं बेटा, सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं, तो सर्कुलर मोशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये बन जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को बेटा थीटा से दिखाया जाता है। कैसे दिखाया जाता है? थीटा से दिखाया जाता है। जिस प्रकार से वहां पर वेलोसिटी वी थी, है ना, उसी प्रकार से यहां पर वो बन जाती है एंगुलर वेलोसिटी। क्या बन जाती है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। बहुत बढ़िया भाई, मुझे ये बात समझ आ गई। एंगुलर वेलोसिटी बन जाती है। एंगुलर वेलोसिटी को बेटा ओमेगा से कहते हैं, ठीक है? ये डब्ल्यू, इसको ओमेगा कहते हैं बेटा। आज के बाद क्या याद रखोगे इसे? क्या कहते हैं? ओमेगा कहते हैं। ओमेगा, ओमेगा याद रह जाएगा क्या? यस सर। ठीक भाई, जैसे वहां पर एक्सेलरेशन होता था ना, उसी प्रकार से बेटा यहां पर होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। याद रह जाएगा? यस, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको बेटा अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अल्फा। तो जिस प्रकार से वहां पर एस वी और ए था, डिस्प्लेसमेंट को अपन जनरली एस से दिखा रहे थे, याद है? डिस्प्लेसमेंट को अपन किससे दिखा रहे थे? जनरली एस से दिखा रहे थे। कहाँ गया मेरा कर्सर? कहाँ? ये रहा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट को जनरली अपन किससे दिखाते थे? एस से। तो एस वी ए था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर थीटा, ओमेगा और अल्फा है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई बेटा? यस। आना बोल दो यार, पक्की बात एकदम? यस। चलो सन्नाटा, 110% एकदम। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, तो मुझे ये बात समझ आ गई। बेटा तुम याद करो, जिस प्रकार से अपनी वेलोसिटी, वहां पर वेलोसिटी क्या लिखता था मैं? वहां पर वेलोसिटी इस प्रकार से लिखी जाती थी, कैसे? डी क्या बोलते थे? डीएस बाई डी टी, याद करो, ऐसे लिखी जाती थी ना? यस। अरे यार, डीएक्स बाई डी टी, ऐसे नहीं तो डीएक्स बाई डी टी तो लिखते थे। यस। उसी प्रकार से यहाँ पर जब आप एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी? थीटा बाई डी टी। थीटा बाई डी टी, बिल्कुल वैसा का वैसा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? यस। जिस प्रकार से वहां पर आप एक्सेलरेशन लिखते थे, क्या लिखते थे एक्सेलरेशन? बोलो, डीवी बाई डी टी, है ना? उसी प्रकार से यहाँ पर अल्फा क्या लिखा जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी। तुम्हें याद नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ यार? अरे हाँ ना, बोल दो। Yes. या फिर एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकते थे, देख, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, अगर याद हो तो, डबल डिफरेंशिएशन में, मतलब एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी तक पहुंचे, फिर वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन तक पहुंचे। तुम्हें नहीं आया ना? उसी प्रकार से अल्फा को क्या लिखते थे? अल्फा को क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया ना? हाँ ना तो बोल दो। बाकी बात एकदम सोच लो, मैं ऐसा समझू हमें समझ आ गया है? Yes, जो जो इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पर होती थी ना, वो सारी की सारी यहाँ पर भी वैलिड है। वो समय के साथ साथ तुम्हें मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे उससे काम करना है, ठीक है? अब चलो आ जाओ, बेसिक बेसिक बातें करते हैं, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, ठीक है? चलो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ बेटा तुम्हारे साथ, पहली चर्चा मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ बात करता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है? मैं सबसे पहले तुम्हारे साथ बात करता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, बात करता हूँ मैं तुम्हारे साथ, ठीक है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें बताएगा क्या होता है? थीटा होता है, और इसकी जो यूनिट होती है ना बेटा, इसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या यूनिट होती है? रेडियन। याद रह जाएगी क्या? रेडियन। क्या यूनिट होती है बेटा इसकी? रेडियन। अच्छा मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, देखो। तो ऐसा मान लो कि मान लो ये एक सर्कल है। अब ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो पार्टिकल किस पाथ में मूव करने वाला है? सर्कल में। हाँ, नॉर्मल बात है भाई, सर्कुलर मोशन की बात करूंगा तो पार्टिकल कैसे पाथ में घूमेगा? सर्कुलर पाथ में ना घूमेगा, है ना? तो मैंने बोला कि चलो मान लो ये सेंटर था सर्कल का, और पार्टिकल ये रेडियस है मान लो, ठीक है? और पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पर यही मौजूद है, ठीक है? पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पर मैंने बोला बेटा यही मौजूद है, और उसके बाद पार्टिकल ने चलना शुरू किया, और चलता चलता वही यहाँ पहुंच गया पार्टिकल, ठीक है? पार्टिकल यहाँ पहुंच गया टी इज इक्वल टू टी पर, t = t पर। तो बेटा अगर इस लाइन को अगर मैं यहाँ सेंटर से ज्वाइन कर दूँ ना, अगर इस लाइन को मैं यहाँ सेंटर से ज्वाइन कर दूँ, तो ये जो एंगल बनाए ना बेटा, एंगल ऊपर की तरफ, देखो ऊपर की तरफ ये एरो है, ऐसे बनाए ना एंगल, ये जो एंगल है ना बेटा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है इसे बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। हाँ ना बोल दो यार, क्या कहा जाता है इसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, ठीक है? बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, जैसे वो वेक्टर क्वांटिटी होती थी, ऐसे ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब बच्चा मुझसे पूछेगा सर इसकी फिर डायरेक्शन सर भाई, और अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये जो ग्रीन है ना, ग्रीन
इस ग्रीन को बोला जाता है आर्क, क्या बोला जाता है बेटा आर्क, ये जो ग्रीन जो लाइन है ना इस ग्रीन को क्या बोला जाता है आर्क बोला जाता है इसको आर्क, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, बता चुका हूं ना, बता चुका हूँ कि नहीं बता चुका, तो देखो मैग्नीट्यूड तो मेरा यहाँ से आ जाएगा, मैग्नीट्यूड तो मेरा यहाँ से आ जाएगा, पर सर डायरेक्शन का क्या करूँ सर, आप तो कह रहे हो सर वेक्टर क्वांटिटी है, और सर वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब इसकी डायरेक्शन तो होनी चाहिए ना, तो मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल होनी चाहिए डायरेक्शन, तो फिर मैंने बताया बच्चे को, मैंने क्या बताया, मैंने कहा बेटा जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना इसका एक और ये ना एक्सियल वेक्टर होता है, कैसा वेक्टर है ये एक्सियल वेक्टर, और एक्सियल वेक्टर से मेरा क्या मतलब है बेटा ऐसे वेक्टर जिनकी जो डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस होती है, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस हो, मैं लिख देता हूं यहां पर ठीक है, द वेक्टर्स हुज डायरेक्शंस आर अलोंग द एक्सिस, आर अलोंग द एक्सिस, आर अलोंग द एक्सिस आर नोन एज एक्सियल वेक्टर, आर नोन एज, यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना, आर नोन एज एक्सियल वेक्टर, क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या बोल गया, यस पक्की बात एकदम डेफिनेशन समझ आई, समझ तुम्हें समझा ही दूंगा, तुम्हें बस ये बताओ मुझे जो बोला वो तुम्हें ढंग से सुनाई दिया कि नहीं दिया, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होती है उन्हें एक्सियल वेक्टर बोला जाता है, अब बच्चे को बोला सर मेरे को तो सर डायरेक्शन सर देखो अभी भी समझ नहीं आई सर, तो मैंने बोला बेटा देख अब समझ आएगी, देख मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बेटा तू एक काम कर, देख नीचे बता नीचे समझाता हूँ, देखो सुनो, देखो थीटा की डायरेक्शन निकालना सिखाता हूँ मैं तुम्हें, देखो तो मैंने बोला कि मान लो ये अपना सर्कुलर मोशन है ठीक है, ये मैंने बोला ये क्या है बेटा अपना सर्कुलर मोशन है, और पार्टिकल कहाँ था पहले, पार्टिकल यहाँ था टी इक्वल टू जीरो पर ठीक है, और टी इक्वल टू टी पर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया ना, टी इक्वल टू टी पर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, हाँ ना बोल दो भाई, Yes, और ये थीटा है, देखो इसका मैग्नीट्यूड निकालने में तो बच्चा बोला सर कोई टेंशन ही नहीं, आप एकदम निश्चिंत रहो मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल दूंगा सर, क्योंकि लेंथ मुझे पता चल जाएगी, अगर आप मुझे मुझे लेंथ बता दोगे रेडियस पता चल जाएगी तो ये तो मैं निकाल दूंगा सर, मैंने बोला बेटा बहुत बढ़िया भाई, बोला सर आप तो बस मुझे डायरेक्शन निकालनी सिखा दो, वो सीख जाऊंगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा, मैंने सबसे पहले बच्चे को बोला, मैंने कहा बेटा जब भी तुझे थीटा की डायरेक्शन निकालनी हो ना तो सबसे पहले देख क्या पार्टिकल चल कैसे रहा है, पार्टिकल क्लॉक वाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉक वाइज, तुम बताओ भाई कैसे चल रहा है पार्टिकल, एंटी क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया पार्टिकल ऐसा चला ना, यस yes. अब सुनो तुम स्क्रीन पर ही देखना, स्क्रीन पर ही अपनी उंगलियों को ना ऐसे कर्ल करो, अपनी उंगलियों को ऐसे कर्ल करो, ऐसे करो अपनी उंगलियों को कर्ल करो, देखो तुम्हारा अंगूठा ऐसे है क्या बाहर की तरफ, ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन है आउट ऑफ द पेपर, वो राइट हैंड रूल, राइट हैंड को कर्ल करो बेटा, अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ना, अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे कर्ल करो, ऐसे कर्ल करो, ऐसे करो, ऐसे दर्शन घुमाओ, ऐसे घुमाओ, देखो तुम्हारा अंगूठा तुम्हारे मुंह की तरफ है क्या, देखो तुम्हारा अंगूठा तुम्हारे मुंह की तरफ है क्या, यस हाँ बेटा यही डायरेक्शन जो है ना, ये जो अंगूठा है ना तुम्हारा बेटा, ये अंगूठा गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस बात को, मैं इस बात को लिख देता हूँ, थोड़ा हैंग कर रहा है ये, क्या बात है, कोई बात नहीं करते हैं आराम से कर लेंगे, देखो अरे एक मिनट, देखो डायरेक्शन ऑफ थीटा जब मेरे को निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ थीटा, देखो मैं बताता हूँ क्या करना है, मैं पूरा रूल यहाँ पर लिख देता हूँ ठीक है, फिर बाद में जब आप नोट्स बनाओगे आप तो आपको भी लिखना है फिर साथ साथ पूरा का पूरा कि भाई रूल क्या बताया था सर ने, ठीक है वो रूल आपको भी लिखना है ठीक है, कहाँ गया ये रहा, तो इसको अपन थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, हो जाएगा क्या इसमें, कंट्रोल बी चलता है क्या, नहीं चलता, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्शन ऑफ थीटा कैसे निकालें, मैंने बोला कि कर्ल कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, ऑफ योर राइट हैंड, ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अटक गया, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, देन देन योर थंब विल गिव यू द, देन योर थंब will give you the direction of theta. क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई या तुम मर गए?
झूठ नहीं बोलेगा कोई भी बच्चा, 1% झूठ नहीं बोलना भाई। मतलब सर आउट ऑफ द पेपर आ रहा है फिर डायरेक्शन का तो समझ नहीं आया। हाँ तो बस आपकी जो थीटा की जो डायरेक्शन है ना वो आउट ऑफ द पेपर हो गई। और सर आपने फिर से इसको एक्सियल वेक्टर क्या बोला, उस एक्सियल वेक्टर का क्या मतलब था वो भी समझाता हूँ। देख सुन मुझे एक बात बताओ, ये तुमको रिंग जैसी तो दिख रही होगी ना, ये क्या है, रिंग ही तो है। इस रिंग की एक्सिस कहाँ है, इस रिंग की एक्सिस यही तो है। अरे यार yes. बताओ इस रिंग की एक्सिस यही तो है, इस रिंग की जो नेचुरल एक्सिस है वो यही तो है एक्सिस। mm-hmm. मतलब जिस पर आप उसको घुमा सको रिंग को। अरे वो सन्नाटा yes, sir. है ना, इसके अबाउट घुमा सकते हो कि नहीं घुमा सकते हो इसको, यहाँ पर कीला गाड़ दो। अरे यार तुम्हारे साइकिल का टायर नहीं होता क्या, साइकिल के टायर की एक्सिस यही तो होती है, इसी पर तो घूमता है वो। yes, है ना। तो देखो मुझे एक बात बताओ, क्या जो थीटा आया है क्या वो अलोंग द एक्सिस है क्या, देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या। इसीलिए थीटा को बोला गया था बेटा एक्सियल वेक्टर, क्योंकि अलोंग द एक्सिस आते हैं। तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई यार। yes. देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से गूगल से एक फोटो उठाता हूँ, देखो अगर तुम समझ पाओ तो। राइट हैंड थंब रूल की पिक्चर उठा लेते हैं अपन एक, ये रहा है ना, अब समझ पाओगे। ये हम क्लास में नहीं कर सकते। हाँ ये क्लास में नहीं कर सकते, बस उस चीज़ का थोड़ा सा वो है। कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, ये क्लास ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम्हें बढ़िया इमेजिनेशन बनाऊंगा, तुम क्लास में आए हो ना मेरी में तो सीख के जाओगे भाई साहब, बिना सिखाए नहीं जाने दूंगा, टेंशन मत लो तुम। कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। देखो तुम्हें ये अंकल नजर आ रहा है, अंकल का हाथ नजर आ रहा है एक। यस सर। देखो यस सर, अंकल के हाथ को बड़ा कर देते हैं, अंकल का हाथ टेढ़ा हो गया है, अब ये फिसल के नीचे ना आएगा बस, ये अब देख बेइज्जती करवाएगा अभी यहाँ पे ये। देखो सुनो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, जैसे मान लो पार्टिकल, देखो यहाँ पर सुनो, अब तुम्हारी इमेजिनेशन बन जाएगी, ध्यान सुनना अब जरा। देखो मैंने क्या बोला, पार्टिकल जी अपना ऐसे जा रहा था ना, ऐसे घूम रहा था ना, तो आप उंगलियों को ऐसे कर्ल करो जैसे इसने कर रखा है ना, देखो उंगलियों को कर्ल कर रखा है ना, तो अंगूठा ऊपर देखो करंट की डायरेक्शन बता रहा है इसका, तो खैर अलग है। तुम्हारा जो अंगूठा होगा देखो तुम्हारा ऊपर की तरफ होगा, ऐसे होगा तुम्हारा अंगूठा तुम्हारे मुंह की तरफ, होगा कि नहीं होगा। यस सर पक्की बात, एकदम सोच लो। यस सर है ना, तो बेटा जो तुम्हारा अंगूठा है ना ये तुम्हें डायरेक्शन देगा किसकी, बोलो 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 किसकी, थीटा की। हाँ यार हाँ ना तो बोल दो यार, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार अभी भी यार। आ गई सर। पक्की बात मैं समझूं, हमें डायरेक्शन ऑफ थीटा देना आ गया है क्या। यस सर। अच्छी तरह से बेटा। यस सर। बेटा रात को 9 बजे आज मैं लूंगा आपकी क्लास ना, और रात को 9